जो घटना हुआ था फैमिली मेंबर से सबको भी समझा गया यही है कि रोड ब्लॉक करके आप यहाँ रुकने से पुलिस का फोर्स अब यहीं पे एग्जॉस्ट हो जाएगा, बल्कि पुलिस का फोर्स अगर फील्ड में रह गए तो जो जस्टिस मिलने वाला चीज़ है वो हम 100% पूरा एफर्ट करके ले सकते हैं। तो इसी के लिए हमने पब्लिक से भी रिक्वेस्ट किया था, सबको समझा दिया था और फैमिली मेंबर्स को ऑपरेट किया, अभी डेड बॉडी को मूव कर दिया था वो लोग और हम अपना टीम अभी रेडी करके रात भर हमारा कोशिश यही रहेगा कि उनको पकड़ सकें, रात को ही हम कोशिश शुरू करेंगे। विदिन 24 आवर्स हमने पब्लिक को यही बोले गए थे कि कोशिश हमारी तरफ से 100% रहेगा, आसामी कहाँ हुआ है, भागा हुआ है या क्या है सिचुएशन हम देख के उसको पकड़ने के लिए हमारा 100% रहेगा। पहले एफ आई आर मिलने के बाद तुरंत पुलिस ने एक्शन में आ गए थे और रात को हमने जिसके अक्यूज्ड का नाम दिए थे और फैमिली मेम्बर्स का साथ जो नाम दिया था उसके घर में भी रेड किया था और सोर्सेज भी लगा दिया, आदमी मिला नहीं। तो पब्लिक को हमने यही एश्योरेंस दिया था कि एक स्पेशल टीम बनेगा, DSP और एडिशन के सब लोग मिलकर एक टीम बनेगा जिसका फोकस होगा कम्प्लीटली इसका पीछे कौन कौन है, CCTV कैमरा भी हम अनलेस करेंगे, वो कल सुबह हम अनलेस करवा देंगे, साथ में जो जो उसके नाम दिए थे उसका हम पकड़ने के लिए इमीडिएट कोशिश हम शुरू करेंगे।